मध्य प्रदेश में वोटिंग हो चुकी है, नतीजों का इंतजार है। 3 दिसंबर को चुनावी परिणाम घोषित किए जाएंगे। इसके बाद साफ होगा कि प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान वोटिंग के 3 दिन बाद वल्लभ भवन पहुंच गए। दरअसल वल्लभ भवन पहुंचकर सीएम शिवराज ने किसानों को उर्वरक की उपलब्धता को लेकर बैठक की और अधिकारियों को निर्देश दिए। दरअसल प्रदेश में उर्वरकों की कमी से किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है, इसीलिए खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सीएम शिवराज ने आचार संहिता के बीच अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले साल की तुलना में इस सीजन में इस साल 5% ज्यादा बोनी हो चुकी है। अधिकारियों ने सीएम शिवराज को बताया कि उर्वरकों का पर्याप्त स्टॉक मध्य प्रदेश सरकार के पास उपलब्ध है। विपणन संघ के 422 विपणन केंद्र चल रहे हैं। 154 वितरण केंद्रों से नकद उर्वरक बेचना शुरू कर दिया है। 92 अतिरिक्त वितरण केंद्र शुरू किए गए हैं। किसानों को लाइन से बचाने के लिए टोकन व्यवस्था की गई है। सीएम शिवराज के मुताबिक मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक अगले 2-3 दिनों में बारिश का पूर्वानुमान है। जब बारिश होगी तो बोनी बढ़ेगी, ऐसे समय में किसानों को उर्वरक की जरूरत पड़ेगी। आचार संहिता के बीच वोटिंग के बाद शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड में नजर आए। किसानों को कोई समस्या न हो इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। और पूरे प्रदेश में आज हुजूर की जनसभा को केवल यहाँ नहीं, पूरे प्रदेश में जनता सुन रही है। मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ और प्रदेश की जनता को भी प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले मैं उनसे माफी मांगता हूँ जिनके विधानसभा क्षेत्रों में मैं पहुंच नहीं पाया। आज तक मैंने आचार संहिता के बाद 165 सभाएं की। एक दिन में मैंने 12-12, 13-13 सभाएं की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।